evening to all. Hi, my name is Sohail Sheikh. I recently completed my graduation and joined my father in 2018. I have no idea about my business, so I joined. मैं पहली बार जब मेरे फादर से बात की थी अबाउट दिस बिजनेस कि पापा ये कोर्स क्या है, तो उन्होंने बताया इट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग डेयरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्सपीरियंस. मुझे लगा कि ये कोर्स में कुछ खास होगा नहीं, सब बताएंगे कि ये मिक्स कर दो वो मिक्स कर दो. बट व्हेन आई एंटर्ड एंड गॉट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ प्रोटीन एज वेल एज द इंग्रेडिएंट, आई गॉट फ्लैबरकास्टेड कि इतना वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट होते. पहले हमें लगता था कि कुछ भी डाल दो आइसक्रीम बनना है. 2018 से पहले ही मैं फादर के कारोबार में रहता था, लेकिन इतना इन्वेस्टेड नहीं था क्योंकि पढ़ाई और सब बिजी लाइफ थी. तब पापा ने मुझे एक बात बोली थी जब मैं 11th में था कि बेटा अगर तू ये बिजनेस में आना चाहता है तो क्वालिटी पे ध्यान देना, क्योंकि आज मैं आइसक्रीम ये इमेजिन करके बना रहा हूँ ताकि आज ये आइसक्रीम मैं ये इमेजिन करके बना रहा हूँ ताकि तू खा सके. तो मैं भी यही पीढ़ी को और सर आई होल्ड नो राइट टू करेक्ट यू, बट मैं आपको एक बात करेक्ट करना चाहूँगा. आपने ये कहा, हर बार कहते हो कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ लेकिन अच्छा काउंसलिंग हूँ. बट सर आप जिस तरीके से टीचिंग करते हो वो माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि 20 माइंड्स को एक राह पे ले जाना, स्ट्रेट राह पे ले जाना, वो बहुत काबिल तारीफ है. आप कहते हो कि आपने सिर्फ 20% ही नहीं सिखाया, तो मैं उसी बात पे एक टिप्पणी कहूँगा कि जब रॉकेट होता है उसको पहला ट्रस्ट मेन होता है, उसके बाद वो अपनी गति से चलता रहता है. तो जो ट्रस्ट जो फर्स्ट होता है वही मेन होता है. पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं डेफिनेट उसको अपने कारोबार में समय इन्वेस्ट करूँगा और लर्न करूँगा. मेरे फादर से ही मैंने सीखा है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी तब्दीलियाँ होंगी वो बहुत अच्छी हुई और मैं यही बात कहता हूँ.